इंडिया में 2 से लेकर 5 लाख के बजट में यूज्ड यानी कि सेकंड हैंड हैचबैक गाड़ियां कौन कौन सी आपको मिल जाएंगी। जी हाँ, आज मैं आपको यही बताऊंगा और सिर्फ 5 कारें बताऊंगा जो कि आपको इस बजट में मिल जाएंगी और वो बेहतरीन कारें हैं। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। वैगनार मारुति कंपनी की कार है। इस गाड़ी का लेटेस्ट जनरेशन वर्जन तो 2019 में आ गया था, वो आपको 4.5 से 5 लाख के बजट में मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर कम ही मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। और 2 से 5 लाख की रेंज में आपको इसकी थर्ड जनरेशन वर्जन आसानी से मिल जाएगा। इस गाड़ी का 2 या 3 साल पुराना वाला टॉप वेरिएंट आपको 2 से 5 लाख के बजट में आसानी से मिल जाएगा और सीएनजी वेरिएंट भी। गाड़ी का मेंटेनेंस काफ़ी लो है और गाड़ी काफ़ी कम्फर्ट वाली कार है ये। ग्रैंड आई टेन हुंडई कंपनी की कार है। ग्रैंड आई टेन और आई टेन दोनों ही बेहतरीन गाड़ी है। अगर आप खरीदना चाहते हैं 2 से 5 लाख के बजट में तो आपको मिल जाएगी। अगर आप अच्छे बार्गेनिंग यानी कि मोल भाव अच्छे से कर सकते हैं तो 5 लाख के बजट में आप ग्रैंड आई टेन ऑटोमेटिक वाली आसानी से मिल जाएगी, जिसमें टच स्क्रीन यूनिट, रियर पार्किंग कैमरा और स्टेयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल भी मिल जाते हैं। वरना आई टेन तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी 2 लाख से कम बजट में भी, लेकिन काफ़ी पुरानी कार। फिर i20 हुंडई एक ऐसी कंपनी है जिसकी गाड़ियाँ काफ़ी अफोर्डेबल हैं और मेंटेनेंस भी ठीक है, यानी न ज़्यादा हाई है और न ज़्यादा कम है। और इस प्राइस रेंज में 4 से 5 साल पुराना वेरिएंट मिल जाएगा, यानी कि न्यू वाला नहीं मिलेगा, वो तो अभी अभी आया है, लेकिन इससे पुराना वाला मिल जाएगा। इतने प्राइस में आप गाड़ी में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाएगा, रियर पार्किंग कैमरा भी, और अगर आपका बजट ऑल डाउन है तो आपको फर्स्ट जनरेशन मॉडल मिल जाएगा और सेकेंड जनरेशन में काफ़ी पावरफुल पेट्रोल इंजन मिल जाता है गाड़ी के। फिर आई जैज होंडा कंपनी की काफ़ी बेहतरीन हैचबैक कार है। ये गाड़ी काफ़ी रिफाइनरी है। काफ़ी लोग के पास आज भी इस गाड़ी का 10 साल पुराना वर्जन मिल जाएगा और वो वेरिएंट अब भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा, क्योंकि होंडा कंपनी की गाड़ी रखने वाला कोई ऐसा नहीं होगा। जो भी होंडा कंपनी की कार खरीदता है वो गाड़ी अच्छे से रखना जानता है। ज़्यादातर होंडा गाड़ियों की लाइफ ज़्यादा होती है। जैज़ की इंडिया में रीसेल वैल्यू भी काफ़ी अच्छी है और 5 लाख के बजट में 5 से 6 साल पुराना ओल्ड सेकंड जनरेशन जैज़ मिल जाएगी आपको। अगर 3 लाख के बजट में ये गाड़ी चाहिए तो 7 से 10 साल पुरानी ओल्ड मॉडल मिल जाएगा। फिर आई स्विफ्ट काफ़ी रीसेल वैल्यू वाली कार है और काफ़ी बेहतरीन हैचबैक गाड़ी है इंडिया में। इसकी इंडिया में काफ़ी रीसेल वैल्यू जैसे मैंने आपको बताया है, और ये गाड़ी काफ़ी ट्रस्टेड गाड़ी है और 5 लाख के बजट में 3 से 4 साल ओल्ड स्विफ्ट आपको आसानी से मिल जाएगी। और ये गाड़ी पुरानी डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में मिल जाती है, लेकिन अब तो सिर्फ पेट्रोल में आती है। और अगर आप दिल्ली NCR में खरीदोगे तो आपको ये गाड़ी आसानी से मिल जाएगी 4 से 6 साल पुरानी भी। तो मैंने आपको ये 5 गाड़ी बताई हैं जो कि सेकेंड हैंड में सबसे ज़्यादा बिकती हैं ये गाड़ियाँ।